हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जा रहे हैं सब्जेक्ट हिंदी पढ़ने और उसमें टॉपिक है स्वर ई। स्वर ई, ई से इमली। हाँ बराबर। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाए हुए हैं। ई से इमली, ई से इमली, ई से इमरती। इमरती क्या होती है? आप लोग जिलेबी खाते हो? कैसे होती है वो टेस्ट में? मीठी होती है। तो जिलेबी की तरह ही इमरती भी एक मिठाई होती है, लेकिन जिलेबी कैसी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन इमरती गोल गोल होती है, रेड कलर की होती है। वो दिखने में बहुत सुंदर और टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग टेस्ट करके देखना। इमरती, ई से इमरती, ई से इमरती, ई से, ये तो आप लोगों का फेवरेट है। ई से इडली, ई से इडली, मम्मा बनाती है ना आप लोगों को? हाँ, आप लोगों के लिए घर में मम्मा बनाती है। इडली के साथ क्या खाते हो आप लोग? चटनी खाते हो, सांभर खाते हो? ई से इडली। देखो बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, ये है ई। ई से इमली, ई से इमली, ई से इडली, ई से इडली, ई से इमरती, ई से इमरती। तो बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं सीखने की ई कैसे लिखते हैं, स्वर ई ये कैसे लिखते हैं। तो आप सभी लोग अपनी दो लाइन, टू लाइन की बुक ओपन कीजिए हिंदी की। किया? ओके, तो मैं दिखाऊंगी। पहले आप लोगों ने ध्यान से देखना है और उसके बाद अपनी बुक में उसको लिखना है। तब तक बच्चों एक काम करें, एक ई पर एक गाना गा लें, कविता है छोटी सी। ई से इमली, ई से इमली, मिलकर खेले आँख मिचोली। ई से इमली, ई से इमली, मिलकर खेले आँख मिचोली। ई से इमली मुन्नी खाती, खट्टी चीज उसे है भाती। इमली का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। तो मुन्नी को क्या है? खट्टी इमली पसंद है। ओके, ठीक है बच्चों। तो देखो, आप लोगों के बुक में इस तरह से लाइन होगी। आप लोगों ने ई कैसे लिखना है बच्चों, देखो। आप लोग पहले एक स्लीपिंग लाइन लिखिए। हाँ, लुक, देखो यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, उसके बीचों बीच एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। आप लोगों ने ये सब हिंदी में भी सीखा है, ये जो स्ट्रोक्स हैं, और इंग्लिश में भी सीखा है ना? हाँ। और फिर बताइए इसको क्या बोलते हैं? आधा गोला बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कर, कर। ओके, ऐसे फिर इसको फिर इस तरीके से आप फिर इस तरीके से लीजिए, ऐसे इसको नॉट करके। ई से इमली, ई से इमली, फिर से एक बार देखिए, स्टैंडिंग लाइन, कर, फिर ये कर को ऐसे घुमाइए और ई से इमली, ई से इमली। एक बार और देखिए, ऐसे स्टैंडिंग लाइन, ये कर और उसके काट बांध दीजिए। ई से इमली, ई से इमरती, ई से इडली। समझ में आया बच्चों आप लोगों को कैसे लिखते हैं स्वर ई? तो आप लोगों ने इसको बोलते हुए पूरा एक पेज लिखना है, ठीक है?